हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। सीपीआई के हैदराबाद एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब शमशुद्दीन अहमद ने टीआरएस हुकूमत पर दो टोक इल्जाम लगाते हुए कहा, अब दो महीने बाद जीएचएमसी इलेक्शन है और गवर्नमेंट की जानिब से डेवलपमेंट वर्क्स की एक्टिंग शुरू हो गई है और ये लोग इलेक्शन होते ही गायब हो जाएंगे जैसे पिछली बार किया था। और उन्होंने कहा, 2014 में इक्तदार में आने पहले सीएम केसीआर ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं दिया। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा किया था लेकिन नहीं दिया। डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को अभी तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा, सीएम केसीआर जीएचएमसी इलेक्शन को नजर में रखकर अब 100 या 200 लोगों को सियासी फायदा उठाने के लिए डबल बेडरूम फ्लैट देंगे जैसे सीएम केसीआर ने पहले किया था। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पीएम मोदी और केसीआर में अब कोई फर्क नहीं। पीएम मोदी नेशनल लेवल पर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और केसीआर साहब तेलंगाना में आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पुराने शहर की आवाम मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम और एक अच्छा घर देते हैं, उसी तरह से अपने वोट को सही इस्तेमाल करके उन्हें अच्छा एक लीडर चुने। बिलखुसूस शमशुद्दीन अहमद ने पुराने शहर की आवाम को अपना वोट सही तरह इस्तेमाल करने की अपील की। तेज खबरों के लिए स्टार न्यूज एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर बात कर रहा हूँ। आज मैं हमारे पुराने शहर के लोगों से मुखातिब हूँ और यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी मुखातिब हूँ और ख़ासकर हमारे सीएम साहब केटीआर साहब से भी मैं आज मुखातिब हूँ, क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन अब स्टार्ट आने वाला है, दो महीने में कराएंगे और काम तेज़ी के साथ करे जैसा एक्टिंग शुरू होगी। फिर जैसा पिछली बार हमको बेवकूफ़ बनाए उसी तरह से एक तीन चार महीने हम काम करेंगे इलेक्शन से, दो महीने पहले उसके बाद इलेक्शन होते फिर गायब हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे केसीआर साहब से, हमारे सीएम साहब से, कि आप जो जिस वक्त 2014 में हमको प्रॉमिस करे थे, सबसे पहला प्रॉमिस ये था कि 12% रिजर्वेशन बोल के, जब आपको मालूम था 12% रिजर्वेशन नहीं ला सकते तो झूठी तसल्ली कहीं दी आप? आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था आपको कि झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए था हमारे। दूसरी चीज़, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को दिलाते बोल के आप वायदा करें तीन महीने के अंदर बोल के बोले, वो भी आप पूरा नहीं करें। जो मेन मुद्दे है माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स के, जो पुराने शहर के जो मेन मुद्दे है, मेन जो टारगेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी नहीं करे उसके अंदर। फिर थर्ड, उसके अंदर डबल बेडरूम बनाते बोले 6 साल से गोलियां दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थी पहले, उन्हें एक रूम दे रही थी उनकी, भाई कम से कम कुछ लोगों को तो दी ना, कई लोग बसेरे है ना। आप दो रूम बोल के सेंटर से भी फंड ले रहे हैं, अपना फंड भी नहीं दे रहे हैं, पूरा जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आप फिर शुरू करेंगे, मैं अगले महीने में मेरे ख्याल से थोड़े लोगों को देना शुरू करेंगे, तो लोग आइए गलत फहमी में रहना कि जो है नहीं नहीं भाई केसीआर साहब दे रहे हैं डबल, हर थोड़े दिन के इलेक्शन के करीब थोड़े लोगों को बांट रहे हैं आप, 100 लोगों को 200 लोगों को रोक दे रहे। तो ये गलत तरीका है केसीआर साहब, अगर आपके दिल में देना है, अगर आप वाकई कुछ पुराने शहर के लिए करना चाहते हैं तो दिल से करते बोलो, नहीं तो नहीं करते तो झूठ मत बोलो बार बार। आप में और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर में कोई फर्क नहीं रह रहा, क्योंकि उन्होंने भी जो नेशनल लेवल पे झूठ बोले, आप तेलंगाना लेवल पे झूठ बोले। ये देखो आप, चार मुद्दे, डबल बेडरूम गलत साबित हुआ आपका, 12% गलत साबित हुआ आपका, और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को वो भी गलत साबित हुआ। क्या है स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को आप बोले, नौजवानों को मैं बेरोजगारी भत्ता देता हूँ, वो भी झूठ बोले आप, तो अब फिर अब कौन सा नया झूठ बोलेंगे आप? तो मैं हमारी अवाम को, खासकर पुराने शहर के लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आने वाले वक्त में दो महीने के बाद जो भी इलेक्शंस होंगे जीएचएमसी के काउंसलर्स के, सोच समझ के वोट दो। आप अपने बच्चों को आपकी परेशानियों में, आपकी गरीबी में, आपके हालात रोजगार के हिसाब से, गरीब माँ बाप है, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई कार चला रहे हैं, कोई बच्चे पढ़े लिखे नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार है, ऐसे हालात में हमारी जनरेशन को हम ना जाती घर दे सक रहे, ना अच्छी तालीम दे सक रहे, ना उनको कोई सहूलत दे सक रहे, ना उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट दे सक रहे। तो कम से कम हमारी औलाद को, आने वाली जनरेशन को, उनको अच्छी हुकूमत तो दे सकते,
क्योंकि अगर अच्छी हुकूमत देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों को विरासत में जायजाद नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई तालीम वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम अच्छी हुकूमत तो दियो, ईमानदारी का वोट डाल के उनको सही एक लीडर को उनके उनके लिए पेश करो, ताकि जो हुकूमत वो कर सकती एक महीने में काम, हम 10 साल में नहीं कर सकते वो काम। हुकूमत के पास पावर रहता, पैसा रहता, उनके पास वसीले रहते, उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहते। तो हमारे माँ बाप का काम है, हमारे जो बहना भाया हैं अब होश में हैं, होश के साथ अपना वोट डालो। अभी इसके मामले में परसों असेंबली में अकबर भाई भी आवाज़ उठाए, अकबर भाई भी नुमाइंदगी करे। अब इससे पहले जो है उनकी भी बात सुन रहे हैं, अनसुनी कर दे रहे हैं, जो एक बेइज्जती की बात है। हमारे अकबर भाई की अगर जो एक फ्लोर लीडर है, बेहतरीन लीडर है वो, पहले क्या थे नहीं मालूम मेरे को, छोड़ दो पहले का, वैसे हर आदमी में कुछ ना कुछ खामियां रहती, उसके बाद आदमी लाइन पे आता। तो फिर वक्त हालात के हिसाब से आज की तारीख में उन्होंने जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको भी हम वेलकम करना चाहिए, गलत गलत नहीं बोलना, मगर हुकूमत उनकी बात को भी, हमारे फ्लोर लीडर अकबर भाई की बात को भी अनसुनी कर दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो हम माइनॉरिटीज़ के लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी नहीं है, सारे तेलंगाना की माइनॉरिटीज़ की बेइज्जती है अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये मैं बोलते हुए ऐसी देखिए आप, उसके बाद में चार मीनार को जो एक बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था, हंसता बोलता खेलता एक शहर था हमारा पुराना शहर, जिसमें खूबसूरत मंजर चार मीनार पेश करता था, कई हज़ार गरीबों का रोजगार लगा हुआ था उसके ऊपर, और बस स्टैंड था वहाँ, कहीं से भी हैदराबाद में जाने दो चार मीनार को बस डायरेक्ट ला के छोड़ती थी, वहाँ से लोगों को बेहतरीन सहूलत थी हर जगह जाने आने की। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते मल्टी लेवल जो पार्किंग बनाते बोल के जो है KCR साहब, उसको जो है डिमोलिशन कर दिए, 24/1/2018 को डिमोलिशन करे। जब आपको काम नहीं करना था तो डिमोलिशन कहीं को करे, वो बस स्टैंड कहीं को उठा दिए, वहां पर हमारे माँ बहना जो आते हैं गरीब उनको जो है टॉयलेट को जाने तकलीफ हो रही। जब बस स्टैंड था तो बस स्टैंड के अंदर टॉयलेट वगैरह थे, हमारे में जो गरीब बहना भाई जो गांव से आते थे उनको जो सहूलत थी नहाने धोने की और जो है टॉयलेट की, आप वो भी बर्खास्त कर दिए तरक्की के नाम के ऊपर। और उसके बाद में फिर 23/1/2019 को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई आप लोगों की, जिसके अंदर जो है हमारे बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए थे, फ्लोर लीडर भी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, वो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, उसका आके देखेंगे करेंगे बोले। उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं बोल के वो ब्लू शीट्स टीना लगा दी, वो टीना कहीं को लगाए आप लोग, पीछे के जो 600 कारोबार भी जो पीछे के, जब आपको बिल्डिंग बनाना नहीं है, पार्किंग बनाना नहीं है, तो आप ये सीधे सीधे धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। KTR साहब हमारे GHMC के MCH के जो मिनिस्टर है और KCR साहब है, आप लोग धोखा दे रहे हैं आवाम को पुराने शहर की, मेट्रो ट्रेन भी नहीं लाए लेके आते बोल के ना कंस्ट्रक्शन चालू हुआ अभी तक, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमारी क़यादत कमजोर है हमको मालूम है, लेकिन हम तो कमजोर नहीं है, हम तो आवाज उठाएंगे आपके ऊपर, हम ये पब्लिक के सामने रखेंगे, सुनो पुराने शहर के लोगों, आपको जो धोखा दिया गया है किसकी क़यादत में धोखा दिया जा रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है? हम जिस कायदीन को चुन के भेजे वो कायदीन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं KCR को, और KCR उनकी सपोर्ट पे हमको धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमारे को बोले 12% दिलाते रिजर्वेशन, नहीं दिलाए, जुडिशियल पावर दिलाते बोले हमारे को जो है 3 महीने के अंदर, जबकि सेंटर अप्रूवल कर चुका है बोल के सुना भाई, अगर ये सही है तो फिर आपको देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं भी है, अगर सेंटर नहीं भी दे रहा तो आप देना, आप बनाना लेके जाना आपकी जिम्मेदारी, आप फायदा करें। दूसरी चीज आप जो है डबल बेडरूम में भी धोखा दिए, तो सारे चीजें आ रहे हैं। और वो जो टीम के शीट से चार मिनार बस स्टैंड के, इमीडिएटली अगर आप वाकई में सच्चा अगर हमदर्दी रखते हैं पुराने शहर के लोगों से और पुराने शहर के लोगों को तकलीफ नहीं देना चाह रहे हैं, तो कम से कम खुदा रहा आप वो जो टीन्स लगाए हुए हैं ब्लू टीन्स, वो फौरन उखाड़ के फेंको, पहले वो उखाड़ दो उसको फौरन, नहीं उखाड़ने की सूरत में फिर हम लोग हमारी CPI पार्टी की तरफ से या और जितने भी ऑल पार्टीज को लेके हम आएंगे और वहां पर उसके ऊपर धरना देके हम उसको उखाड़ने लगाएंगे हुकूमत से। इस वास्ते कि जब आपको काम करना नहीं है तो लगाने का मकसद क्या हुआ? क्रिमिनल स्पॉट बना दिया उसको। आप चारों तरफ से जाके देखो जो वहां गंदगी जो भरी हुई है, जो पिशाबा कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, हमारे जो बहना आके जो 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 जरूरत रहती थी उनकी पूरे काम परेशान हो गए हमारे माँ बहना हमारे। तो KTR साहब और CM साहब आपको मैं रिस्पेक्टेबल तरीके से बोल रहा हूँ, प्लीज इमीडिएटली रिमूव द ब्लू शीट देयर, तीनों उतार दीजिए आप और फौरन तरीके से उतारिए, और वहाँ के जो टॉयलेट्स वगैरह है और उसको जो है आप फौरन तरीके से वो करें। और दूसरी चीज ये है, ये 32 महीने हो गया, 32 महीने हो गया आप ये काम शुरू करते बोल के धोखा दे के, आज तक शुरू नहीं हुआ तो कंप्लीट कब होता? फिर कब कंप्लीट होता? तो ये धोखेबाजी बंद करो। अब वोट मांगने आए तो पहले हम ये सवाल करेंगे आपसे, और साथ साथ
जो हमारे ये जीएचएमसी कमिश्नर साहब है, जोनल कमिश्नर है, मेयर साहब है, इनको भी ये चीज के ऊपर लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आना चाहिए, आके यहाँ पर मैना करके ये टीनों को उखाड़ना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं बोले तो हम आपके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि आपके जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, हमारे पास सबूत है, वक्त आने के ऊपर एक एक चीज का सबूत दे देंगे हम और कोर्ट में डालेंगे। और हमारी अवाम को जो तकलीफ दे रहे हैं आप लोग, केसीआर साहब, केटीआर साहब और जोनल कमिश्नर और जो है आपके जीएचएमसी कमिश्नर साहब, मेयर साहब, ये याद रख लो, अवाम बख्शने वाली नहीं है। आप किस मुंह से वोट मांगने आएंगे यहाँ पुराने शहर में, क्या करें बोल के पुराने शहर के लोगों को वोट मांगेंगे आप, और आपका जो साथ दे रहे हैं वो लोग क्या सूरत से आएंगे, थालियां बजाए बोल के वोट केसीआर के साथ आएंगे वोट मांगने। ये सवाल यहाँ के मुकामी लीडर से भी पूछे जाएंगे, केसीआर साहब से भी पूछे जाएंगे, केटीआर साहब से भी पूछे जाएंगे, और हम जो एहतजाज इसको जो करना है ऑल पार्टीज की तरफ से रखते हुए आगे चल के इसको हम तरतीब देंगे, प्रोग्राम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको आज एक जो है इंटीमेशन या जो है इंफॉर्मेशन हमारे केसीआर साहब को, केटीआर साहब को देना चाहता था, दिया। आपको यहाँ मल्टी कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता आपको मालूम है, लेकिन आप जानबूझ के यहाँ तोड़ के गरीबों का एक तो कारोबार खराब कर दिए, दूसरी चीज वो टीना लगा देके और जो है अंदर क्राइम करने का अड्डा बना दिए, स्पेशल अड्डा है क्राइम का, वहां जाके देखो गांजा, सिगरेट, गंदगी, गलत काम हो रहे अंदर पूरे, क्या वो भी वीडियो डाल के बताना क्या केसीआर केटीआर साहब को? अरे जरी तो थोड़ा तो अपने को शर्म आया हो ना, केटीआर साहब, सीएम साहब, हम आपको ये रिस्पेक्टेबल तरीके से बोल रहे हैं, आप हमारे सीएम है, आप हमारे मिनिस्टर है, मगर इतना भी क्या है आदमी को बोलने पर मजबूर कर दे रहे हैं। लिहाजा हम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप चार मीनार बस स्टैंड का आके मुआयना करें और वहां की गंदगी को फौरन साफ करें और वो पार्किंग को जो है पूरे शीटा उखाड़ देके आप जो कंस्ट्रक्शन करना है करें, या नहीं है तो फिर आप जो है गरीबों को बांट दीजिए, उसमें कॉम्प्लेक्स बनाइए, बिल्डिंग बना के वहां फ्लैटा दे दीजिए गरीबों को, खाली पड़ेगी गंजटियों के लिए, सिगरेट और गंदे काम करने वालों के लिए अड्डा बना के देते आप, तरक्की के नाम पर ये काम करते, यही तरक्की है पुरानी शहर की हमारी। चौमल्ला पैलेस के सामने जमीन खाली है, वहां पर भी बनाते बोले, वहां तो कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन का गेट वो भी लगाए थे प्लेट्स, जाके देखिए आप, ऐसा मत कीजिए। आपको हम जो है इंटीमेशन दे रहे हैं, प्लीज केटीआर साहब और केसीआर साहब और साथ में नुमाइंदे यहाँ के, ये मौजू उठने वाले हैं और हम गली गली में उठाएंगे और पूरे ऑल पार्टीज की मीटिंग रख के एकजहती करके ये मुद्दों के ऊपर हम वोट मांगेंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये मैं अपनी बात बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि केटीआर साहब खासतौर से आपका अगर सिंगापुर अगर किसी को दिखाना है तो फिर केटीआर साहब का सिंगापुर बोल के यहाँ लाके हम फ्री में बताएंगे लोगों को, पिशाब करते सो, गंजटियों को, गंदगी को, वो पूरे चीजा ये है तेलंगाना का केसीआर साहब का ख्वाब बोल के बताएंगे, तो वो अच्छी चीज नहीं है। हम लोग फ्री में लाके अपना किराया लगा के लोगों को बताएंगे, फिर यहाँ विजिट कराएंगे, ये होने मत दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद, सीपीआई जिंदाबाद, उम्मीद है कि हमारी बात को सुनेंगे, गौर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे।